सावित्रीबाई फुले, जैसा कि सबको पता है हमें और बार बार हम जिक्र करते हैं कि वो पहली महिला शिक्षिका थी, प्रशिक्षित शिक्षिका थी, जिन्होंने अपने टाइम में बालिकाओं के लिए और ख़ास तौर पे उस समाज की बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले थे और बहुत ही कष्ट उठा करके, बहुत ज़्यादा संघर्ष के साथ, जिनको समाज में मानवता का, मानव का दर्जा भी नहीं दिया गया था, हमारे भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में, भारतीय चिंतन मीमांसा में, इस पूरे दर्शन में, तो उसके लिए एक नई दुनिया, नई खिड़की ज्ञान की और मानवता की उन्होंने शुरुआत की थी। हम जब उनको याद करते हैं तो अपने आप को, हमारे संघर्षों को उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से, क्योंकि सावित्रीबाई फुले, यदि इनके जीवन पे बात करें हम थोड़ी सी, इनके विचारों की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता के साथ साथ, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है उनको याद करना, क्योंकि जो ये हमारा दिल्ली और दिल्ली के आसपास, अभी भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का उतना जीवन के रूप में भी और कामों के रूप में भी उतना प्रसार नहीं है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि जब तक सावित्रीबाई फुले का चित्र और उनके विचार घर घर में नहीं होंगे, जैसे दूसरे कैलेंडर घर में टंगे होते हैं, तब तक ये लोगों की सोच का उतना स्वाभाविक हिस्सा नहीं बन सकता। समय समय पर कुछ आयोजन ज़रूर होते रहेंगे याद करने के लिए। तो इसलिए इनके जीवन पे दोनों ही, क्योंकि एक बड़ा आदर्श दंपत्ति जीवन है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का, जो पूरी भारतीय परंपरा में जो पितृसत्ता है उसको एक तरह से इनका जीवन चुनौती प्रदान करता है कि किस तरह से इस दंपत्ति ने कंधे से कंधा मिला करके बिल्कुल बराबरी के साथ एक दूसरे के सहयोग करते हुए कैसे ज़िंदगी जी और कैसे उन मूल्यों को जो गैर बराबरी को वैधता प्रदान करते हैं उसको स्थापित करते हैं समाज में, कैसे उसका एक नया मॉडल पेश किया कि इस तरह से भी दाम्पत्य जीवन, इस तरह से भी जिंदगियां चल सकती हैं, घर परिवार ऐसे भी चल सकते हैं। तो एक रास्ता दिखाया अपने जीवन के माध्यम से। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में 3 जनवरी को हुआ महाराष्ट्र के नायगांव में। इन्होंने एक कविता भी लिखी है बहुत अच्छी अपने खुद के बारे में कि वो उनका गांव कैसा था, अपनी माँ के बारे में भी कविताएँ लिखी हैं। क्योंकि आम तौर पे सावित्रीबाई के बारे में बात करते हुए या उनका नाम लेते हुए सिर्फ पहली शिक्षिका थी वो यहाँ तक बात सीमित रहती है, या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थी इसका भी जिक्र होता है, लेकिन वो एक चिंतक थी, एक लेखक थी, एक विचारक थी, इस पे कम चर्चा होती है, इस पे कम बातचीत होती है कि वो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी वो किसी महान ग्रंथों से या बड़े बड़े पोथे पढ़ करके उन्होंने अपनी शिक्षा दर्शन, अपना जीवन दर्शन नहीं बनाया, बल्कि अपने अनुभवों से उनकी ज़िंदगी ही उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। अपने जीवन के अनुभवों से ही, अपने आसपास और जो विरासत में जो उनको ट्रेडिशन मिली लौकिक परंपरा की, उसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए, और उसी से ही जब ज्योतिबा फुले के साथ इनकी शादी हुई, एक तरह से उसी के बाद ही इनकी ज़िंदगी दोनों दंपत्ति की और फुले उसकी फिलॉसफी की जो शुरुआत होती है, वहीं से ही कि क्योंकि ज्योतिबा फुले ने इनको पढ़ाया, प्रशिक्षित किया, और जब कोई शिक्षिका नहीं मिली छात्राओं को पढ़ाने के लिए, तो अपनी पत्नी को यानी सावित्रीबाई फुले को प्रशिक्षण दिलवाया, जो उस समय में एक बहुत क्रांतिकारी काम था। जब ये माना जाता था कि औरतों तो पढ़ गई यदि तो ये सारा संस्कृति का ही विनाश हो जाएगा, और पूरी ट्रेडिशन में, पूरी परंपरा में ये चीज़ है। आपने सुना होगा, हम सब सुनते हैं घरों में, कलयुग आ जाता है उसी समय, कलयुग की परिकल्पना हो जाती है कि जब स्त्री
अपने पति के सामने या परिवार में सामने बात करने लगे कोई शूद्र या दलित या अछूत, जब जो है बराबरी की बात करने लगे तो कलयुग आ जाता है। जब सारी व्यवस्थाएं जो स्थापित की गई हैं गैर बराबरी की, जब वो मिटने लगें तो कहते हैं कलयुग आ जाता है। तो ये जो कलयुग की जो परिभाषा या परिकल्पना, एक तरह से वो इसी चीज़ के ऊपर टिकी हुई है। तो इस सावित्रीबाई फुले ने इस बात को, ज्योतिबा फुले ने पहचाना और उनको शिक्षिका बनाया और ऐसे 18 स्कूल उन्होंने खोले पूना के आसपास। और उसके लिए, क्योंकि परिवारों में तो सब कुछ वही होता है जो सब जगह होता है, सुधारकों के साथ तो और भी ज़्यादा, ये काम इनका इसलिए भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है समाज सुधारकों के लिए। आप राजनीतिक लड़ाई तो लड़ सकते हैं लेकिन सामाजिक लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक लड़ाइयाँ सरकारों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ होती हैं, लेकिन सामाजिक लड़ाइयाँ अपने घर में लड़ी जाती हैं, अपने परिवार के साथ लड़ी जाती है। इसलिए उसमें हमारा बहुत ही नज़दीक से उससे, तो इसलिए ये जो जितने भी समाज सुधारक हैं, खासतौर पे ये, इनको तो अपना घर ही छोड़ना पड़ा इस बात के लिए कि ये लड़कियों को और ख़ासतौर पे अछूत लड़कियों को पढ़ाने का काम करती हैं। माँ बाप ने घर से निकाल दिया, बाप ने ज्योतिबा फुले के, और इसके लिए उसके बाद जो कष्ट शुरू हुए जीवन में और जो जो काम किए फिर उन्होंने, यदि उनकी उनका बहुत ज़्यादा वर्णन करें तो उनके जीवन महिमा का तो बहुत अपार है। एक इन्होंने जो काम किया बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम आज सोच सकते हैं कि भाई कितना ये उस समय पे कितनी एडवांस सोच के, कितनी आगे की सोच के ये महापुरुष थे। एक इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए जो बाल हत्या प्रतिबंधक एक तरह से गृह खोला। होता क्या था कि हमारे समाज में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी, बाल विवाह, और मृत्यु भी हो जाती थी पतियों की, जैसे कि किसी कारण से, अकाल से या किसी भी अन्य कारण से, ये तो स्वाभाविक बात है। तो विधवाएं भी हो जाती थी लड़कियां, और ख़ास तौर पे जो ब्राह्मण परंपरा से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, जो ग्रंथों को, शास्त्रों की मान्यताओं को ज़्यादा मानते हैं, उनकी समस्या ये ज़्यादा थी कि लड़कियों को कि दोबारा शादी नहीं की जाती थी और घरों में ही उनका यौन शोषण हो जाता था और वो गर्भवतियाँ भी हो जाती थी। अब जो बच्चा पेट में, उसको कैसे छुपाएं, ये सबसे मुश्किल काम था। उसके लिए या तो उस बच्चे को मारते थे या औरत को मारते थे, या फिर उसको जैसे ये जितने भी ये वृंदावन के और के जितने भी आप देखते होंगे बने हुए, ये इसी तरह से बने होंगे, मेले में छोड़ाए, पता ही नहीं चला लड़की गुम हो गई, एक अच्छा तरीका ढूंढ रखा है। मतलब जितने भी अपने सेफ्टी वाल्व हैं ब्राह्मणवाद के, जब भी उसके सामने कोई संकट आता है तो वो ऐसे बस्तियां बना देता है अलग से। खैर, तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनके जीवन से ही इनके सामने ये बात आई कि एक औरत आत्महत्या कर रही है और उसको अपने घर में रखा, और उन पूरे मोहल्लों में जहाँ खासतौर पर यह समस्या थी, ब्राह्मण मोहल्लों में, पूना तो आप जानते हैं ऐसे ही है जैसे बनारस, जहाँ पे कबीर, सूर, रविदास, ये पूरे मध्यकाल के क्रांतिकारी हुए, ये पूना में हुए, ये उनका एक तरह से आधुनिक संस्करण है कबीर का, पूना। उन पूना के उन मोहल्लों में जो बोर्ड लगवाए कि यहाँ पे प्रसूति कर सकती हैं महिलाएं, ऐसी बच्चा चाहें तो ले जा सकती हैं, चाहें तो हम उसका पालन करेंगे, यदि वो अफोर्ड नहीं कर सकती ले जाना, उनकी पहचान छुपाई जाएगी। 35 बच्चे पैदा हुए थे 1800 में, ये बात हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते इस बात की, 35 बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, और उन्हीं में से एक बच्चा, क्योंकि इस दंपत्ति का अपना कोई बच्चा नहीं था, यशवंत राव जो बाद में प्रशिक्षित डॉक्टर बने, ज्ञान प्राप्त करके डिग्री धारी डॉक्टर जैसे पूरा प्रशिक्षण के साथ, उन्हीं में से एक इन्होंने गोद लिया। तो इस तरह के जो काम है कि अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते थे, 52 रसोईयाँ चलती थी इनकी, कि कितने बड़े इलाके में जो किसानों के आंदोलन, जो बाद में हमारे यहाँ हरियाणा में छोटू राम हुए, उन्होंने जो काम किया, ये महाराष्ट्र में पहले कि 2 साल तक किसानों ने खेती नहीं की अकाल। तो ये इनके बहुत सारे इस तरह के काम हैं।
और बड़े इंटरेस्टिंग अपने घर में जो एक तालाब था, कुआ, पानी पीने का, पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आदमी की ज़िंदगी के लिए, लेकिन इसकी भी व्यवस्था नहीं है आधी आबादी के लिए, अछूत आबादी के लिए, शूद्र आबादी के लिए। पानी की भी मनाही है कि वो कहीं और से दूर से जा कर के पानी लेकर आएंगे, और पूरा परिवार जो है सिर्फ पीने के पानी के ढोने में ही एक आदमी की पूरा दिन गुजर जाएगा। अपना घर का जो कुआ है वो सबके लिए सार्वजनिक कर देना, ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिनकी आप सब यहाँ पे लगी हुई हैं, इनकी बातें आप सब पढ़ लेंगे इनके जीवन के बारे में। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उस टाइम पे बहुत सारे समाज बनते थे, कोई ब्रह्म समाज बनता था, कोई आर्य समाज बनता था, कोई प्रार्थना समाज बनता था, उसी में एक समाज बना सत्यशोधक। आप यदि नामों को ही देख लेंगे कि कोई आर्य समाज है, कोई ब्रह्म समाज है, कोई प्रार्थना समाज है, और एक सत्यशोधक समाज है, सत्य का शोधन करने वाली सोसाइटी जो सच्चाई का शोधन करेगी। क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से ये बात पहचान ली थी दंपत्ति ने कि जितनी भी झूठ की पोप लीला है, जितना भी झूठ का कारोबार है, वो सिर्फ सच्चाई के नाम पे चलता है। सच्चाई के इर्द गिर्द ही बुनी जाती है झूठ की सारी महल, सारा प्रपंच जो चलता है झूठ का, वो सच्चाई के इर्द गिर्द सच्चाई का नाम ले कर चलता है। इसलिए सच्चाई में जो मिलावट है, जो उसके अंदर झूठ है, जो उसके अंदर पाखंड अंधविश्वास है, जो उसके अंदर अतार्किकता है, उसका शोधन करना है, उसको छांटना है, उसको अलग से निकालना है। सत्यशोधक नाम का ये जो समाज बना, क्योंकि ये इस बात को पहचान गए थे जो आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्य और न्याय, यदि समाज में इन दो चीज़ों की स्थापना होती है, सच्चाई की और न्याय की, तो वो समाज ही तरक्की भी करता है। उसी समाज में सबको बराबरी के, इंसानियत के जितने भी मूल्य हैं उसी समाज में स्थापित होते हैं। तो इसलिए सच्चाई की जानकारी और सच्चाई में जो झूठ की मिलावट है उसकी छटनी और न्याय के लिए संघर्ष, ये जो उन्होंने रास्ता बनाया था सच्चाई का और न्याय की लड़ाई का रास्ता, सत्यशोधक समाज कि समाज सुधार का रास्ता, कि जो गरीब जनता, पीड़ित जनता, वंचित जनता है उसको राहत पहुंचाने का रास्ता, चाहे वो अकाल में भूख से मरते हुए लोग थे, चाहे वो पानी से तड़पते हुए, पानी ना मिलते हुए लोग थे, या शिक्षा से वंचित थे। क्योंकि जो इनका जीवन का फिलॉसफी का जो क्रक्स है, जो पूरा जो चीज़ इन्होंने पकड़ी, वो ये कि भारतीय उसमें जिसको मनुवाद कहते हैं, बहुत लोग ब्राह्मणवाद भी कहते हैं, यानी कि जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, वो दो बैसाखियों पे चलता है, ये बात इन्होंने पहचान ली। एक वर्ण व्यवस्था, एक पितृसत्ता। जितनी भी हमारे नैतिक बोध है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन आदरणीय है किसका अनादर करें, जितने भी हमारे जीवन के व्यवहार के नैतिक सवाल हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन अच्छी लड़की है कौन खराब है, जितने भी जीवन के ये छोटे छोटे पहलू हैं जो हर कदम पे फैसला लेना पड़ता है हमें किसी चीज़ के बारे में, वो इन दो चीज़ों से डिसाइड होते हैं। उन पे ये दो चीज़ें, वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता, ये कंट्रोल करती हैं हमारी पूरी नैतिक बोध को, पूरे माइंड को, पूरे हमारी ज़िंदगी को। इस नियंत्रण को इन्होंने समझ लिया था, इसलिए इन्होंने जो भी काम किए, जो बात की कि इस बात में तेल डालना है, इनकी जड़ें खत्म करनी है पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था की। उन्होंने पहचान ली थी ये बात कि वर्ण व्यवस्था में क्या है, वर्ण व्यवस्था कि चार वर्ण हैं, एक के पास ज्ञान है, एक के पास सत्ता है, एक के पास संपत्ति है, और ये तीनों चीज़ें ही एक तरह से शक्ति के स्रोत हैं। ताकत कहाँ से आती है किसी सोसाइटी में, किसी वर्ग में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी समाज में, कहाँ से एम्पावरमेंट कहाँ से आती है, या तो ज्ञान से, या तो सत्ता से, या तो संपत्ति से। और ये तीनों ही संपत्ति के, सत्ता के जो स्रोत हैं, ये एक बहुत बड़ी जनता से
50% आबादी महिलाओं की पितृसत्ता के माध्यम से और शूद्रों की, तो कुल मिला के ये 80% के करीब की जो आबादी है उसके जीवन से शक्ति के सारे स्रोत को ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने छीन लिया। इस बात को इन्होंने पहचान लिया था कि जब तक हम इन चीज़ों को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हमारा संघर्ष किस चीज़ से है और वो ब्राह्मणवाद कहीं और नहीं बसता, वो हमारे दिमाग में, हमारे व्यवहार में, हमारे ज़िंदगी में रहता है, हमारे फैसलों में होता है, कि हमारे अंदर जो मनुवाद है उसको चिन्हित करना, उसको ढूंढना और उसको किल करना, उसको मारना। एक तरह से मैं तो ये कहता हूँ कि ये इन्होंने एक एंटीवायरस तैयार किया था, ये एक एंटीवायरस है ब्राह्मणवाद मनुवाद के, कि जहाँ जहाँ ये लगा लीजिए इस चिप को आप अपने माइंड में, तो अपने आप मरना शुरू हो जाता है ब्राह्मणवाद, कि अपने आप जो है वो बराबरी की बात, अपने आप धन संपत्ति, सबको सुरक्षा, सबके लिए अवसर, ये जो लड़ाई है ये अपने आप खुलने लगती है इस चीज़ के साथ, कि जो ब्राह्मणवाद की, जो इन तीन ज्ञान की, सत्ता की और संपत्ति की बहुत बड़े वर्ग से खींच लेने की, निकाल लेने की को जो वैधता प्रदान करता है, जो उसको लीगल देता है कि हाँ ये तो सही है, ठीक है, ठीक बात है, ये इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इस पे अटैक किया इन्होंने सबसे ज़्यादा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में अछूतों की भागीदारी है, शूद्रों की भागीदारी है, चाहे वो सत्ता प्राप्त करने की जितनी भी जगहें हैं, घर में यदि सावित्रीबाई फूले का, ज्योतिबा फूले की जिंदगी हम देखेंगे, तो जिसको कहते हैं कि परिवारों का जो जनतांत्रिकरण का जो मॉडल है, कि हम क्रांतिकारी सिर्फ सड़क पे या डीसी के दफ्तर के आगे नहीं हो सकते, हमें घर में भी होना पड़ेगा, कि जो क्रांति का परिवार का जो जनतांत्रिक मॉडल है वो इस बात से निकलता है, क्योंकि ब्राह्मणवाद हमारे परिवार की संरचना में, उसके उसमें बसता है, ये बात इन्होंने पहचान ली थी। और ये बात जान लिया था कि जब तक ज्ञान, सबसे ज़्यादा जोर इन्होंने शिक्षा पे दिया, अंबेडकर ने भी शिक्षा पे दिया, ज्योतिबा फूले ने भी शिक्षा पे दिया, क्यों दिया, क्यों इनको सबसे ज़्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण लगती थी, उसका कारण है, उसका कारण ये था कि आधुनिक समाज जो बन रहे थे, यदि उसमें कोई समाज, कोई वर्ग, कोई समुदाय अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता है, जो ब्राह्मणवाद में परंपरागत है पेशा, कि आप क्या काम धंधा करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कि परंपरागत है, कि यदि आप अपना पेशा बदलना चाहते हैं तो आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, अन्यथा आप उसी पेशे में खपेंगे जो आपको परिवार से मिला है, विरासत से मिला, तो और यदि आप नए पेशों को अपनाते नहीं हैं तो आप ब्राह्मणवाद की रीढ़ को नहीं तोड़ सकते, आप उसी में खप जाएंगे। तो ये बात इन्होंने पहचान ली थी, जो दलित समुदाय से, दलित वर्गों से, इस जनता के जो बुद्धिजीवी हैं, अंबेडकर हों, ज्योतिबा फूले हों, कोई भी हों, वो ज्ञान पे जोर इसीलिए देते हैं सबसे ज़्यादा, शिक्षा पे इसीलिए उनका सबसे ज़्यादा जोर है, कि यदि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम अपने पेशों को चेंज कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, यदि हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, जितना मर्जी आप ब्राह्मणवाद से चिड़चिड़ाते रहें, दुखी होते रहें, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसी में खपेंगे। तो इसलिए शिक्षा के लिए, और सिर्फ बालिकाओं के लिए नहीं, इन्होंने मजदूर महिलाओं के लिए और मजदूरों के, पुरुषों के लिए शाम के विश्वविद्यालय स्थापित किए, सावित्रीबाई फुले। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक माँ बाप में चेतना नहीं होगी तो ना तो बच्चे पढ़ेंगे, और क्योंकि उनका काम सिर्फ नौकरी दिलवाने वाली एजुकेशन नहीं था, उनका काम ब्राह्मणवाद जो लगातार, जो शास्त्रों, मंत्रों, अन्य अन्य तरीकों से जो घुसा हुआ जिंदगी में, उसको चिन्हित करवाने का काम था। यदि एक बार आप चिंतन करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, तो ब्राह्मणवाद की मृत्यु यहीं से शुरू होनी हो जाती है, कि एक बार यदि आप स्वतंत्र चिंतन शुरू हो जाए तो अपने आप ही उसकी जो जकड़ है वो कम होने लगती है। तो इसलिए इन्होंने जो ये मजदूरों के लिए, कि जो दिन में काम करते हैं
उनके लिए रात की पाठशालाएं शुरुआत की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो इस तरह से यदि इनके कामों को हम देखें, चाहे वो शिक्षा के काम हो, उसकी चेतना का और उसको प्रदान करने का, सिर्फ चेतना की बात नहीं है, चेतना तो आ गई है कि हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन कहाँ प्राप्त करें, कौन शिक्षा देगा, जिनके लिए मना है, जिनको शिक्षा देना गुनाह माना गया है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए जो पूरे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की जितनी भी चाहे कविताएं हैं, चाहे उनके लेख हैं, चाहे बयान हैं, उन सबको जिस तरह से उसमें चीज़ें दिखाई देती हैं कि जो वर्ग शिक्षित है, बार बार वो कहते हैं शिक्षा के बारे में कि ज़्यादा पैसा अंग्रेज सरकार गरीब लोगों से टैक्स के तौर पर इकट्ठा करती है और बहुत कम लोगों के लिए शिक्षा पे खर्च करती है उस पैसे को। यदि आज भी हम अपने शिक्षा के बजट का आवंटन देखें तो जो कितने इलीट प्रतिष्ठान हैं उन पे कितना खर्च होता है और जिसमें बहुत लाखों करोड़ों करोड़ जनता पढ़ती है, उसमें शिक्षा के बजट का वो तो है ही बहुत कम, लेकिन जो है उसका कहाँ खर्च होता है यदि उसको देखा जाए तो वो एक अलग ही तस्वीर नज़र आएगी कि सारा पैसा टैक्स का कहाँ से इकट्ठा होता है और खर्च कहाँ होता है। तो ये सरकार, अंग्रेज गवर्नमेंट उस टाइम की, कि किस वर्ग को पोषित कर रही है, किस वर्ग को अपने साथ मिलाकर के अपना शासन सुचारू रूप से कहिए या निष्कंटक राज चलाना चाहती है, ये बात इन्होंने पहचान ली। इसमें बार 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 ये चीज़ आती है, इसलिए इन्होंने अल्टरनेट किताबें, यदि आप देखोगे इनके किताबें ज्योतिबा फूले और उसी उसमें सावित्रीबाई फूले की, जो लिटरेचर का निर्माण किया, जो साहित्य उत्पादन किया, जो बनाया कि हमारी ठीक है, यदि हम मान लो ये बात समझ में आ गई कि ये सारा जितना साहित्य, ये सारा जितनी पुराण कथाएं हैं, ये सारे मनुवाद को स्थापित करने के लिए हैं, ऐसी ऐसी कहानियां उसमें मौजूद हैं, पतिव्रता की एंड कंपनी जितनी भी कहानियां हम सुनते हैं, कि वो सारे उसी वैल्यू सिस्टम को, उसी मूल्य व्यवस्था को स्थापित करते हैं, तो फिर दूसरी चीज़ क्या है, विकल्प क्या है उसका। तो इन्होंने इसके विकल्प के तौर पर, चाहे वो इतिहास की बात हो जो आज उगड़ रही है, चाहे वो बलि राजा की बात है, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपने आप में ही, पिछले साल जब हमारी शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी, तो उन्होंने संसद में एक बात छेड़ी थी, बाद में वो दब गई बात, महिषासुर मर्दिनी, और जिसको महिषासुर कौन था, ऐसे ही बलि राजा कौन था, और ये भीमा कोरेगांव जो शुरू हुआ, ये वो पूरी ट्रेडिशन है, क्योंकि सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले से भारत का इतिहास शुरू नहीं होता, ये उस परंपरा में है, चाहे वो बुद्ध की परंपरा है, चाहे उससे पहले चारवाक की परंपरा है, चाहे कबीर आते हैं इसमें, चाहे रैदास आते हैं, चाहे नानक आते हैं, ये एक पूरी समानांतर परंपरा है जो ब्राह्मणवाद के बिल्कुल पैरेलल चलती है। यदि आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास में ज़्यादातर यहाँ लोग इस बात में भरोसा करते होंगे कि कभी ना कभी ऐसी दुनिया ज़रूर स्थापित होगी जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं करेगा और एक देश भी दूसरे देश का शोषण नहीं करेगा, ज़्यादातर लोग यहाँ इस बात में विश्वास करते होंगे कि कभी ना कभी ज़रूर बनेगा, वो इसी तरह के विश्वास करने वाले लोग थे। यदि हम जैसे बात कह रहे थे दलित शोषण मुक्ति मंच, वर्ग संघर्ष की, यदि वर्ग संघर्ष में हम भरोसा करते हैं तो वर्ग संघर्ष पहले भी रहा होगा जब से दुनिया बनी है, भारत के मध्यकाल में भी होगा और प्राचीन काल में भी होगा। तो वर्ग संघर्ष के लड़ाके या लीडर कौन थे, जब इस बात की हम पहचान करेंगे, हमारा इतिहास देखेंगे वर्ग संघर्ष का भारत में, तो आपको कबीर और ज्योतिबा फूले के नाम मिलेंगे सबसे पहले। तो ये जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा के को साथ लेकर के चलने वाले, ये एक परंपरा है, उस परंपरा में ये दोनों आते हैं, और उसके बाद अंबेडकर और भगत सिंह, आप ये एक परंपरा है, उसकी 500 शेड हैं, उसकी 500 छायाएं, 500 रूप हैं उस चीज़ के, लेकिन ये सारे खुराक वहीं से लेते हैं, सबका जो जैसे कहते हैं ना कि प्रस्थान बिंदु एक है, वहाँ से ये सारी विचारधाराएं शुरू होती हैं। तो इसलिए इस बात को इन्होंने पहचान लिया था दोनों ने, इस फूले दंपत्ति ने, सावित्रीबाई फूले
ये नहीं है कि वो ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, इतनी बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिबा फूले की मृत्यु हुई 1891 और ये 1897 तक रही, तो 1897 तक तो इन्होंने पूरा काम किया। सत्यशोधक समाज की प्रेसिडेंट बनी सावित्रीबाई फूले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं, एक स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेतृत्व हैं ये सावित्रीबाई फूले। इसको स्थापित होने की ज़रूरत है। इन जिस और आपको पता है कि ज्योतिबा फूले को तो लास्ट की जो अपनी ज़िंदगी है 3-4 साल वो पैरालिसिस के, एक तरह से अधरंग के मरीज हो गए थे, बेड पे थे। तो उस समय पे सारा काम इस सत्यशोधक समाज का और इसका कौन करता था? सावित्रीबाई फूले। तो ये निरंतर जो है अपने अलग तौर पे ये काम करती रही हैं, और चेतना यही है जो अब इसकी ना इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ तो वहाँ पे ये युवक युवतियों को जो प्रेमी जोड़े हैं खा पंचायतें, गैर जाति में शादी कर ली, मनुवाद परमिशन नहीं देता है तो चलो उनको मारना इज्जत का काम है, ये मनुवाद सिखाता है। जो सावित्रीबाई फूले की एक चिट्ठी है जो उन्होंने अपने पति यानी कि ज्योतिबा फूले को लिखी, वो अपने मायके जा रही थी तो वहाँ पे एक चिट्ठी उन्होंने लिखी अपने पति को, तीन चिट्ठियाँ लिखी हैं, तीनों बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक चिट्ठी में वो लिखते हैं कि यहाँ पे एक ब्राह्मण लड़का था, वो घूम घूम के मतलब जैसे कर्मकांड करवाता था घरों में, और किसी एक जो गैर ब्राह्मण लड़की है उसके साथ उसका इश्क हो गया और वो दोनों शादी करने के लिए घर से भाग गए, गांव वालों ने पकड़ लिया, फिर उनको जो है मारने के लिए वो इकट्ठे हो रहे थे, तो बाई चांस मैं जा रही थी, मुझे पता चला लोग भीड़ है तो क्या हो रहा है, खैर मैंने उनको धमकाया कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे बनेंगे, अंग्रेज सरकार तुम्हें फांसी पे लटका देगी, जो पंचायती थे खाप पंचायती उस टाइम के, वो डर गए और अंग्रेजों से तो डरते ही थे खाप पंचायती, बताइए आपको कि भाई यानी इस तरह से मौके के ऊपर कोई भी मौका हो कि जो पहलकदमी है समानता के मूल्यों को स्थापित करने की, जो मानव अधिकार हैं उनको किस तरह से प्रैक्टिस करना, कैसे मौके पे किस तरह से उनको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, उनका जीवन में स्थापित करना है, ये इनकी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक इनकी लास्ट घटना है कि जैसे प्लेग फैल गया और प्लेग, इनका बेटा तो डॉक्टर था ही, उसको बुलाया इन्होंने सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले तो दुनिया में नहीं थे, वो तो उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी 1897 में। प्लेग फैल गया और ये पता था कि यदि आप प्लेग जो है किसी को भी फैल सकता है, किसी को भी लग सकता है, वो छूत का रोग है एक तरह से। इनको पता था क्योंकि वहाँ बस्ती में एक अछूत लड़के को प्लेग था, कोई हाथ नहीं लगा रहा था परिवार का भी, जैसे सब होते हैं, हम मनुष्य इतना स्वार्थी तो है ही, तो लेकिन सावित्रीबाई फूले अपने पीठ पे उसको लेकर के आई और उसी से ही उनको भी प्लेग हो गया और उसी से ही उनकी डेथ हुई। अब आप हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि उनको पता था, एक तरह से ये लक्ष्मीबाई की तरह शहीद हैं, जो हेल्थ सर्विसेज जिसको कहते हैं, मानवता की सेवा के लिए जिसको कहते हैं, कि जिनको ये पता था कि जान जा सकती है लेकिन फिर भी अपने जो मूल्य हैं उनके प्रति जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, उनको उनके कारण से कि वो काम करना जरूर है, कि उससे पीछे नहीं हट सकते जान जोखिम में डाल के। बड़ी इंटरेस्टिंग एक और इनकी ज़िंदगी की घटना ये है कि जो ज्योतिबा फूले की मृत्यु हुई, इनका अपना बच्चा तो था नहीं, गोद लिया था यशवंत राव, और परिवार में जैसे होते हैं कि बाद में इनकी प्रॉपर्टी का वारिस वही बनेगा जो वो मटकी लेके चलता है, डाक मुखाग्नि जो देगा, विवाद हो गया, जो भाइयों के लड़के थे वो सामने आए कि क्योंकि ये बाड़ा मिलेगा, घर मिलेगा, तो मैं लगाऊंगा आग, मतलब मैं करूंगा शवदाह जो है नहीं, क्योंकि ज्योतिबा फूले की जो वसीयत यदि हम पढ़ें वो बड़ी इंटरेस्टिंग है
सावित्रीबाई फुले ने खुद जो है ज्योतिबा फुले को मुखाग्नि दी। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में ये पहला ही केस होगा ऐसा कि जिसने एक औरत ने जिसको अभी तक शमशान घाट में जाने भी नहीं दिया जाता, उसने जो है अपने पति की पार्थिव शरीर को अग्नि दी, चिता को अग्नि दी। तो ये जो क्रांतिकारी चीज़ें हैं इनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलती हैं। और आज के समय में क्योंकि जिस जिस तरह से असमानता की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, और फिर से मतलब एक पूरे समाज के अंदर दोबारा से उसी तरह की चीज़ें दिखाई देने लगी हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुल्म हो रहा है, नहीं, जुल्म तो सदियों से हो रहा है। नई बात यह है कि जुल्म का विरोध हो रहा है, जुल्म का प्रोटेस्ट हो रहा है और सांगठनिक तौर पे हो रहा है। नई चीज़ इसमें यह है, और विरोध भी वहाँ से हो रहा है जिनको अभी तक आदमी नहीं समझा जाता था, विरोध करने की तो छोड़ो, जिनको जिनको ये माना ही नहीं जाता था कि यहाँ से भी कुछ हो सकता, तो मिट्टी के डड़े की तरह जिनको समझा जाता था, वहाँ से विरोध हो रहा है। तो इसलिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं ये देखता हूँ, सब देखते हैं हम, कि जहाँ कोई बहुत प्रशिक्षित कार्यकर्ता भी नहीं होते, पार्टियाँ भी नहीं होती, संगठन भी नहीं होते, वहाँ भी लोग सड़कों पर जाम लगा देते हैं छोटी सी बात के लिए। वो किसी SP से डरते नहीं, किसी से DC से डरते नहीं, कानून से डरते नहीं, वो कानून को एकदम तोड़ देते हैं। कोई लोगों में लड़ने की क्षमता, डर, स्टेट का जो डर है, स्टेट पावर का, वो निकल रहा है। मेरे मानने से ये एक अच्छी बात है। इस सारे इस ऊर्जा को जो सड़कों पे है, यदि इसको एक सूत्रता में पिरो दे कोई, तो इस देश का नक्शा बदल जाएगा। और उसको एक सूत्रता में पिरोने का तरीका क्या है, वो सूत्र क्या है जिससे ये पूरी जो ऊर्जा है उसको आप एक रूप प्रदान कर सकते हैं, वो क्या है? वो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जो भारतीय इतिहास के संघर्षों की, जो गरीब लोगों की, वंचितों, शोषितों की, जो संघर्षों की जो परंपरा है, उस पूरी परंपरा को अपने साथ कैरी करते हुए, उस पूरी परंपरा के साथ अपना जुड़ाव रखते हुए, जो भी संगठन, पार्टी या कोई भी समाज के अंदर से कोई चिंगारी उठेगी, तो यही एक सूत्र है, यही एक जरिया, यही एक तरीका है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे सामने इस टाइम पे संकट है, किस बात के संकट हैं, वही ज्ञान का, सत्ता का और संपत्ति, जो सारे स्रोत हैं शक्ति के, उनको कैसे इस करोड़ों करोड़ जनता से छीन के कुछ लोगों के अंदर स्थापित कर दिया जाए, कैसे जो है इतनी दौलत इकट्ठी हो करके किसी की, वो एक अमेरिकन अर्थशास्त्री ने लिखा कि मधाणी डाली हुई है, एक मधाणी जैसे होती है ना दूध में, दही में मधाणी डाल रखी है, और मधाणी क्या करती है कि जितना भी मक्खन दूर दूर तक पड़ा है उस सबको अपने आस पास ले आती है, और लस्सी बच जाती है और मक्खन एक जगह इकट्ठा हो जाता है। कि ये जो शोषण की मदाणी है, आप उसको साम्राज्यवाद कहिए, आप उसको पूंजीपतियों का गठजोड़ कहिए, आप उसको कुछ 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 नाम दे दीजिए, लेकिन वो मदाणी है जो हमारी जिंदगियों के, हमारी सबकी जेबों से ऑटोमेटिकली स्वतः ही निकल जाता है सबका धन, और किसी को पता ना चले। एक हमारे हिंदी के बड़े लेखक हुए रामचंद्र शुक्ल, बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने एक निबंध लिखा, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। वो ये कि कहते हैं कि कोई आदमी रास्ते पे जा रहा है और उसको कांटा लग गया, चुभ गया, तो क्या करेगा? कि वो उस कांटे को उठा के उधर फेंक देगा, या कहेगा भी चलो मैं गलत रास्ते पर आ गया, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि कोई आदमी उस रास्ते पे जा रहा है, किसी ने उसको सुई चुभो दी, तो क्या वो वैसे ही जाएगा? दुख उतना ही हुआ उसको जितना कांटा, या किसी ने कांटा ही चुभो दिया, सुई छोड़ो आप उठा के, तो क्या उसकी वो प्रतिक्रिया वही होगी? नहीं, वो पहले कांटे को नहीं, पहले उस बंदे का हाथ तोड़ेगा। इसलिए जितनी भी ये पूरी फिलोसफी जो चल रही है कि चुभ तो रही है आपको सुई,
लेकिन आपको दिखाई दे कंटा, जो सुई चुभोई जा रही है आप उसको कांटा मान लें, आपको वो कांटा लगे और स्वाभाविक तौर पे अपनी जिंदगी जीते रहें, उसका हाथ ना मरोड़े। इसका सारा प्रपंच है, चाहे जितने भी आप चैनल खोल लीजिए सवेरे से, पूरे 24 आवर चैनल हैं इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि सुई को कांटा कैसे बनाना है, इसी काम के लिए लगे हुए हैं। जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी सत्य कथाएं हैं, सत्यनारायण की कथाएं हैं, एंड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी सबका एक ही पर्पज है कि सुई को कांटा कैसे बनाना है, कि लोगों को चुभो तो रहे हम सुई, दिखे कांटा, कर तो रहे हमारा तुम्हारा सत्यानाश और लगे तुम्हें विकास। ये जो चीज़ है, ये जो प्रपंच है झूठ का, चाहे वो धर्म के खाते से आता है, चाहे वो अर्थशास्त्र के खाते से आता है, चाहे वो राजनीति के खाते से आता है, मकसद सभी का एक ही है कि शोषण को एक स्वाभाविक चीज मान ले लोग, किस्मत मान ले शोषण को, इस बात पे सारा जोर लगा हुआ है। सारी जितनी भी शोषणकारी शक्तियां हैं उनको पता है कि हम किसी के जेब से 100 रुपये ऐसे नहीं निकाल सकते, कोई हमें निकालने नहीं देगा, लेकिन दान के रूप में आप 100 रुपये आप जोड़ के दियाओगे। इसलिए दान की महिमा गाओ। इसीलिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने अल्टरनेट चीज़ें क्रिएट की कि शादी जो है ऐसे नहीं होगी, उसमें ब्राह्मण का होना जरूरी नहीं है, शादी आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें बताओ बिचौलिए की क्या जरूरत है, पूरा परिवार बैठा है, पूरे गाँव की पंचायत बैठी है, ले भाई जो हमारे इस टाइम पे जो शादी की हो रही है ज़्यादातर परंपराएं वो फूले मॉडल है कि पाणी ग्रहण जो है ना, गिला हाथ पकड़ा दिया, ये कर दिया, ये फूलों फूले है, कोई सप्तपदी कितने घरों में होती है। तो उन्होंने छोटी छोटी जो जिंदगी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जरूरी हैं उसके छोटे छोटे विकल्प भी पेश किए, और इसीलिए कितना बड़ा आंदोलन बना था ये, इसीलिए लोगों ने इसको हाथों हाथ ग्रहण किया था। और इसमें सिर्फ फूले की जाति के या शूद्र और अछूत ही नहीं थे, बल्कि जो उस टाइम के रैशनल बड़े बड़े बिल्कुल ब्राह्मण इनके दोस्त थे फूले और सावित्रीबाई फूले, लेकिन नेतृत्व इनका था। इस बात को समझने की जरूरत है कि किसका नेतृत्व होगा और कौन साथ चलेंगे। झगड़ा यहीं पे होता है कि नेतृत्व तो हमें देते नहीं, कुर्सियों में बिठा लेते हो तालियां बजाने के लिए, धरनों में हम होते हैं जहां डंडे लगते हैं, नेतृत्व हमें देते नहीं। सबसे बड़ी जो चीज है ये जो फूले मॉडल है कि शोषित जनता के नेतृत्व में चलेगी सारी जनता, इस पे विचार करने की जरूरत है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब उस जनता से इतनी बड़ी ऊर्जा निकल रही है हर रोज, तो उस ऊर्जा को किस तरह से आप एक आकार दे करके, ठोस आकार प्रदान करके, कैसे जो है एक कोई प्रभावी बदलाव की तरफ बढ़ा जा सकता है। जो इन्होंने अपने टाइम पे बोलिए अखबार निकालते थे, दीन बंधु नाम का एक अखबार छापते थे ज्योतिबा फूले, किस लिए? कि लोगों को सुई सुई नजर आए, कांटा ना दिखे, इसलिए। उनको पता था कि हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद भी वो अखबार निकालते थे। उनको पता है कि विचार जो है किस तरह से, वो कैसे कटर की तरह काम करता है, वो कैसे हवा की तरह चलता है, कौन सी ताकत है जो विचार को रोकती है। तो इसलिए इस बात को समझते हुए कि उनके जो समाज सुधार के जो काम है, क्योंकि आम तौर पे क्या हो रहा है कि हर चीज डीसी के दरवाजे पे डिसाइड नहीं होनी है, आंदोलन सामाजिक दायरों में चलेगा जो अब बढ़ रहा है। सब चीज़ें हम एक ज्ञापन लेके ले जी ये हमारी, वहाँ तय नहीं होना। भारतीय समाज की रूप रचना भारतीय समाज के गली कुच्चे मोहल्लों में बननी है, हमारे दिमागों में बननी है। जो भी कुछ होगा पहले दिमाग में होगा फिर असली में होगा, यही मनुष्य की खासियत है, मतलब डंगरों से अलावा यही एक फालतू चीज़ है उसमें।
कि पहले वो दिमाग में करता है फिर असली में करता है, प्लान करता है, वो सोचता है, नफे नुकसान का फ़ायदा लगाता है वगैरह वगैरह। खैर, तो जो ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के विचारों की जो प्रासंगिकता है, जो मैं समझता हूँ आज के दिन, कि चाहे नेतृत्व का मॉडल है, चाहे वो शिक्षा की, ठीक है शिक्षा गरीब लोगों से बाहर जा रही है, कुछ अल्टरनेट क्या बने और किस तरह से सबके लिए शिक्षा स्थापित हो, कैसे, ये जो चीज़ है, इस पे विचार करते हुए ये हमारे एक पूरे जो इस टाइम पे जो आंदोलन चल रहे हैं कि उनके कड़ी बन सकते हैं, एक सूत्र बन सकते हैं सबके बीच के, सब आंदोलनों को, सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले के विचारधारा का, आंदोलनों का प्रसार, यानी कि कैनवास जिसको कहते हैं, वो इतना बड़ा है कि सब आंदोलन उसका हिस्सा बन के चल सकते हैं, सब आंदोलन उसमें समाहित हो सकते हैं, सब एक इस प्लैंक पे, इस विचार पे सब लोग चल सकते हैं। तो कैसे हम मतलब इस उस पे किस तरह से, कि कैसे इसमें एक इनपुट डाल सकते हैं, कैसे इसमें सारी जितनी भी शोषित जनता है, तरह तरह से शोषित है जनता, एक ही शोषण नहीं है, सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, तरह तरह से लोग शोषित हैं, इसलिए सबके सवाल भी अलग अलग हैं। एक टाइम पे एक फिल्म का गाना था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, एक टाइम पे औरतों के लिए यही एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई, और आज जो है वो सवाल हल हो गया तो अगली चीज़ है। तो हर वर्ग की ज़रूरतें, आज़ादी स्वतंत्रता वगैरह वगैरह की परिभाषाएं अलग हैं, लेकिन क्या सबकी आकांक्षाओं को कोई विचारधारा, कोई आंदोलन समाहित कर सकता है, ये सवाल है। क्या उसमें सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले के विचार, दर्शन, जीवन मददगार हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि मददगार हो सकते हैं, कि इनको अपनी परंपरा में, जैसे यहाँ भगत सिंह का फोटो लगा होता है सब ऑफिसों में, सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले का क्यों ना लगे? इनको, ये भारतीय क्रांतिकारी हैं, ये भारत के क्रांतिकारी इतिहास के निर्माता हैं, इनको इस तरह से अपने अपने समय में अपने अपने औजारों से अपने अपनी सीमाओं में ही लोग तो लड़ते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए लड़ रहे थे, महत्वपूर्ण बात ये। तो एक इस तरह का स्थान दिया जाना, और जब ये शुरू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा सब कुछ। तो अपने अंदर ये देते हैं कि कैसे हम अपने समाज के अंदर से, बहुत सारी जो दलित शक्तियाँ हैं, बहुत मेरे ख्याल में मेरे शहर में ही 100-200 संगठन होंगे अम्बेडकर के नाम पे, फूले के नाम पे तो अभी बनना शुरू नहीं हुए, अम्बेडकर के नाम पे कितने सारे संगठन होंगे, छोटे छोटे शहरों में भी, गाँव में भी यूनिट्स बनने लगे हैं। पहले हमारे क्या होता था, गाँव में रविदास मंदिर बनते थे, अब अम्बेडकर भवन बन रहे हैं, ये एक नई बात है। जब रविदास मंदिर से मंदिर की बजाय लोग अंबेडकर भवन बनाना शुरू करें तो एक शिफ्ट है, मतलब ये सिंपल बात नहीं है कि वो जब जो ही अंबेडकर की बात है तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल अधिकारों के लड़ने का संघर्ष की बात आती है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, ये जो अपने आप चीज़ें जगह 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 घटित हो रही हैं, इनको कैसे देखा जाए और ये कैसे इसमें होंगी, ये चुनौती है मतलब सबसे बड़ी, और इसी में इनकी प्रासंगिकता निहित है कि ये हमारे आज के सवालों को, कि कैसे जो छोटे छोटे जातियों के नाम पे और के नाम पे संगठन जो बने हुए हैं, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने कोई कास्ट का संगठन नहीं बनाया, सत्य शोधक समाज बनाया, बिल्कुल सेकुलर नाम है ये, सत्य शोधक समाज, रैशनल नाम है, ना इसमें कोई धर्म का छोंक है। इन्होंने एक धर्म भी चलाया था वैसे, सार्वजनिक सत्य धर्म, लेकिन वो पूरी तरह से नैतिकता है कि उसमें आमतौर पे धर्मों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें खास चीज़ है, जो ये नहीं करेगा वो सत्य धर्मी है, जो ये नहीं करेगा वो सत्य धर्म, क्या नहीं करना वो ज़्यादा बताया, क्योंकि क्या करना है ये तो सब बता देते हैं, सदा सच बोल लो, ये तो सब बता रहे हैं,
लेकिन क्या नहीं करना ये भी उन्होंने बताया। तो खैर, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए कि जितने भी हमारे सवाल हैं, चाहे वो मानवीय अस्मिता के सवाल हैं, चाहे वो अर्थ के सवाल हैं, चाहे वो हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता के, राजनीतिक आज़ादी के सवाल हैं, चाहे वो शोषण से मुक्ति के सवाल हैं, वो इनका एक बहुत बड़ा फलक है क्योंकि इनका काम करने का एरिया बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था। कोई सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं था, पूरे समाज की परिकल्पना का बदलाव की परिकल्पना इनके सोच में थी, उनकी सीमाएं भी थी, लेकिन वो उस टाइम की सीमाएं हैं, जो उस समय पे जितने भी डिस्कशन चल रहे थे वो उसकी सीमाएं हैं। बहुत सारे आरोप इनके ऊपर हैं कि अंग्रेज़ों के समर्थन में बात करते हैं, ये करते हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ थी। तो मैं एक छोटी सी कविता इनकी सुनाना चाहता हूँ। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविताएँ लिखी हैं सावित्रीबाई फुले ने, दो कविता संग्रह इनके आए थे, एक छोटी सी कविता जो बाद में आंदोलन का रूप लिया और अब जिस पे आंदोलन हो रहा है, पेशवा राज, एक कविता है पेशवा राज। पेशवा ने पांव पसारे, उन्होंने सत्ता राजपाट संभाला और अनाचार शोषण अत्याचार होता देखकर शूद्र हो गए भयभीत। पेशवाओं ने पांव पसारे, उन्होंने सत्ता राजपाट संभाला और अनाचार शोषण अत्याचार होता देखकर शूद्र हो गए भयभीत। थूक करे जमा गले में बंधे मटके में, थूक करे जमा गले में बंधे मटके में, और रास्तों पर चलने की पाबंदी चले धूल भरी पगडंडी पर, कमर पर बंधे झाड़ू से मिटाते पैरों के निशान। चले धूल भरी पगडंडी पर, कमर पर बंधे झाड़ू से मिटाते पैरों के निशान। स्वधर्म स्वराज में शूद्र की तरह रखते थे दाढ़ी, शूद्र शेर की तरह रखते थे दाढ़ी, और नहीं ले पाता था पंगा कोई भी उनसे। सारी प्रजा को एक समान संभाले रखते थे वे, शूद्र कभी स्वधर्म में सुख से रहते थे, खुशहाली से बुलावा। खैर, बहुत सारी कविताएं इनकी आप खुद पढ़ सकते हैं, सारी अवेलेबल हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया।